बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, इस कायनात में ऐसे ऐसे जालिम और बदबख्त बादशाह भी गुजरे हैं कि जो अपने आप को खुदा समझ बैठे थे और उन्होंने खुदाई का दावा कर दिया था। उन्हीं बादशाहों में से एक बादशाह नमरूद भी था जिसने खुदाई का दावा कर रखा था। इस बादशाह का किस्सा अल्लाह ताला ने अपने पाक कलाम में बयान फरमाया है, और ये इसलिए बयान फरमाया कि आने वाली नस्लें ये जान सकें कि तकब्बुर और गुरूर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात को ज़ेबा है। अल्लाह के अलावा जो कोई तकब्बुर और बड़ाई का दावा करेगा वो नेस्तो नाबूद हो जाएगा, जिस तरह से नमरूद तबाहो बर्बाद हुआ। दोस्तों, इस वाक़े में आज के फिरौनों के लिए इबरत का सबक है। आज के माशरे में कुछ लोग हैं जो नमरूद या फिरौन बनने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के लिए नमरूद का इबरतनाक वाक़या पेश है, ताकि वो इस वाक़े से इबरत हासिल करें और होश के नाखन लें। आज के इस वीडियो में आपको नमरूद के बारे में मुकम्मल तफसीलात से आगाह करेंगे और आपको बताएंगे कि नमरूद कौन था, उसने किस तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुकाबला किया और आखिरकार उसका अंजाम क्या हुआ। और इसके अलावा नमरूद की बेटी का वाकया क्या है, इस पर भी बात करेंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि नमरूद कौन था। आपको बताते चलें कि तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक नमरूद बादशाह का पूरा नाम नमरूद बिन किनान बिन साम बिन नूह था। इसका पाया तख्त बाबुल था। उसके नसब में कुछ इख्तलाफ भी है। हज़रत मुजाहिद फरमाते हैं, दुनिया की मशरिक मगरिब की सल्तनत रखने वाले चार हुए, जिनमें से दो मोमिन और दो काफिर। मोमिनों में हज़रत सुलेमान बिन दाऊद और हज़रत ज़ुल्कुरनैन, और काफिरों में नमरूद और बख्त नसर। चूँकि एक मुद्दत मदीद और अरसा बईद से ये बादशाह चला आता था, इसलिए दिमाग में रौनत और आनियत आ गई थी। सरकशी और तकब्बुर, नखुवत और गरूर तबीयत में समा गया था। बाज़ लोग कहते हैं 400 साल तक हुकूमत करता रहा था। मुफसरीन का बयान है कि नमरूद बिन किनान बड़ा जाबिर बादशाह था। सबसे पहले इसी ने ताजशाही अपने सर पर रखा। इससे पहले किसी बादशाह ने ताज नहीं पहना था। ये लोगों से ज़बरदस्ती अपनी परस्तिश कराता था। काहिन और नजूमी इसके दरबार में बकसरत थे और इसके मुकर्रब थे। रिवायात बताती हैं कि नमरूद ने एक रात यह ख्वाब देखा कि एक सितारा निकला और उसकी रोशनी में चांद, सूरज वगैरह सारे सितारे भी नूर होकर रह गए। काहिनों और नजूमियों ने इस ख्वाब की ये ताबीर दी कि एक फ़र्जंद ऐसा होगा जो तेरी बादशाही के जवाल का बाइस होगा। ये सुनकर नमरूद बेहद परेशान हो गया और उसने ये हुक्म दे दिया कि मेरे शहर में जो बच्चा पैदा हो वो कत्ल कर दिया जाए और मर्द औरतों से जुदा रहें। चुनाचे हज़ारों बच्चे कत्ल कर दिए गए, मगर तकदीरात इलाहिया को कौन टाल सकता है। इसी दौरान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हो गए, और बादशाह के खौफ से उनकी वालिदा ने शहर से दूर पहाड़ के एक गार में उनको छुपा दिया। इसी गार में छुपकर उनकी वालिदा रोज़ाना दूध पिला दिया करती थी। बाज़ मुफसरीन का कौल है कि 7 बरस की उम्र तक, और बाज़ों ने तहरीर फरमाया कि 17 बरस तक आप इसी गार में परवरिश पाते रहे। दोस्तों, रिवायात में आता है कि नमरूद ने अपनी सल्तनत भर में ये कानून नाफिज कर दिया था कि उसने खुराक की तमाम चीज़ों को अपनी तहवील में ले लिया था। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को खुराक का सामान दिया करता था जो लोग उसकी खुदाई को तस्लीम करते थे। चुनाचे एक मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके दरबार में गल्ला लेने के लिए तशरीफ़ ले गए, तो उस खबीस ने कहा कि पहले तुम मुझको अपना खुदा तस्लीम करो, जब ही मैं तुमको गल्ला दूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भरे दरबार में अलल ऐलान फरमा दिया कि तू झूठा है और मैं सिर्फ एक खुदा का परिस्तार हूँ जो वाहदहु ला शरीक है। ये सुनकर नमरूद आपे से बाहर हो गया और आपको दरबार से निकाल दिया और एक दाना भी ना दिया। आप और आपके चंद मतबाइन जो मोमिन थे भूख की शिद्दत से परेशान होकर जांबलब हो गए। उस वक्त आप एक थैला लेकर एक टीले के पास तशरीफ़ ले गए और थैले में रेत भरकर लाए और अल्लाह ताला से दुआ मांगी तो वो रेत आटा बन गई और आपने उसको अपने मतबाइन को खिलाया और ख़ुद भी खाया और अपनी दावत व तबलीग को जारी रखा। रिवायात बताती हैं कि नमरूद ने आपके कलमा हक की तबलीग से तंग आकर एक दिन आपको अपने दरबार में बुलाया और आपके साथ मुनाजरा किया। इस मुनाजरे की तफसील इस तरह से नकल की जाती है। नमरूद ने सवाल किया, ऐ इब्राहीम, बताओ तुम्हारा रब कौन है जिसकी इबादत की तुम लोगों को दावत दे रहे हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ऐ नमरूद, मेरा रब वही है जो लोगों को जलाता और मारता है। नमरूद बोला, ये तो मैं भी कर सकता हूँ।
चुनाचे उस वक्त उसने दो कैदियों को जेल खाने से दरबार में बुलवाया। एक को मौत की सजा हो चुकी थी और दूसरा रिहा हो चुका था। नमरूद ने फांसी पाने वाले को तो छोड़ दिया और बेकसूर को फांसी दे दी और बोला कि देख लो कि जो मुर्दा था मैंने उसको जिला दिया और जो जिंदा था मैंने उसको मुर्दा कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि नमरूद बिल्कुल ही अहमक और नहायत ही घामड़ आदमी है जो जिलाने और मारने का ये मतलब समझ बैठा। इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने उसके सामने एक दूसरी बहुत ही वाज़ी और रोशन दलील पेश फरमाई। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए नमरूद, मेरा रब वही है जो सूरज को मशरक से निकालता है। अगर तू खुदा है तो एक दिन सूरज को मगरिब से निकाल दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दलील सुनकर नमरूद मबहूत होकर रह गया और कुछ भी ना बोल सका। इस तरह ये मनाजरा ख़त्म हो गया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस मनाजरे में फ़तेह मंद होकर दरबार से बाहर तशरीफ़ लाए और तौहीद इलाही का आवाज़ अलल ऐलान फरमाना शुरू कर दिया। दोस्तों, कुरान मजीद ने इस मनाजरे की रुदाद इन लफ्ज़ों में बयान फरमाई है, ए महबूब, क्या तुमने ना देखा था उसे जो इब्राहीम से झगड़ा उसके रब के बारे में उस पर कि अल्लाह ने उसे बादशाही दी, जबकि इब्राहीम ने कहा कि मेरा रब वो है कि जलाता और मारता है। बोला, मैं जलाता और मारता हूँ। इब्राहीम ने फरमाया, अल्लाह सूरज को लाता है पूरब से, तू उसको पश्चिम से ले आ। तो होश उड़ गए काफर के और अल्लाह राह नहीं दिखाता जालिमों को। दोस्तों, नबी की भी अपनी ही शान हुआ करती है और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिनको खलीलल्लाह का लकब मिला उनकी शान तो अपनी ही थी। याद रहे कि अल्लाह ताला अपनी इन मुकर्रब बंदों को पाकीज़ा सिफात के साथ पैदा फरमाता है। यही वजह है कि अनबिया अपनी इब्तदाई ज़िंदगी से ही हर तरह के गुनाह और शिर्क से पाक रहते हैं। रिवायात में आता है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलत नबूवत से सरफराज होकर घर तशरीफ लाए, देखा कि सामने वालिद संग तराशी में मसरूफ़ हैं। वालिद ने गज़बनाक निगाहों से बेटे को घूरते हुए सवाल किया, कहाँ से आ रहे हो? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वालिद का सवाल नज़रअंदाज करके झुककर एक तराशीदा छोटा सा बुत उठाया और अदब व एहतराम मलहूज़ खातिर रखते हुए नहायत मोहब्बत से वालिद से मुखातिब हुए। कुरान करीम ने बाप बेटे के मुकालमे को यूं बयान फरमाया है, अब्बा जान, आप ऐसी चीज़ों को क्यों पूछते हैं जो ना सुने और ना देखें और ना आपके कुछ काम आ सकें? अब्बा जान, मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला, तो मेरे साथ हो जाएं, मैं आपको सीधी राह चला दूंगा। अब शैतान की पूजा ना कीजिए, बेशक शैतान अल्लाह का नाफरमान है। अब्बा जान, मुझे डर लगता है कि आपको अल्लाह का अजाब ना पकड़ ले और आप शैतान के साथी हो जाएं। उसने यानी बाप ने कहा, ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम, क्या तू मेरे माबूदों से बरगश्ता है? अगर तू बाज ना आएगा तो मैं तुझे संसार कर दूंगा, जा हमेशा के लिए मेरी नज़रों से दूर हो जा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सलाम किया और कहा, मैं आपके लिए अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगूंगा, बेशक वो मुझ पर बड़ा मेहरबान है। दोस्तों, ये बात तो यकीनी है कि नबूवत मिल जाने के बाद किसी भी नबी का जो काम होता है वो तौहीद का प्रचार ही होता है और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना होता है। और यकीनन इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी मनसब नबूवत पर फाइज होने के बाद इसी काम में मसरूफ हो गए, जिसका तफसीली तज़करा पहले भी हो चुका है। कहते हैं, अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि ईद का त्यौहार आ गया। कौम के लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी शहर से बाहर मेले में चलने की दावत दी, लेकिन उन्होंने तबीयत की खराबी का कहकर जाने से माजरत कर ली। दरहकीकत वो ऐसे ही किसी मौके की तलाश में थे। चुनाचे जब पूरी कौम मेले में शिरकत के लिए चली गई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक कुल्हाड़ा लेकर बुतखाने में दाखिल हो गए। उनमें से अक्सर उनके बाप आज़र के हाथों से तराशे हुए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तमाम बुतों को तोड़ डाला और आखिर में कुल्हाड़े को बड़े बुत के कंधे पर लटकाकर अपने घर आ गए। शाम को जब कौम मेले से वापस आई तो बुत खाने में तबाही का मंजर उनका मुंतजर था। दोस्तों, कुरान मजीद इस वाक़े का नक्शा यूं पेश करता है, कहने लगे, हमारे माबूदों के साथ ये सलूक किसने किया? बेशक वो तो ज़ालिमों में से है। लोगों ने कहा कि हमने एक नौजवान को उनका जिक्र करते हुए सुना है, उसका नाम इब्राहीम है। वो बोले कि उसे लोगों के सामने लाओ ताकि वो गवाह रहें। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने कहा, क्या हमारे माबूदों के साथ ये काम तुमने किया है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये काम उस बड़े बुत ने किया होगा।
अगर ये बोलते हैं तो इनसे पूछ लो। वो सर नीचा करके बोले, तुम जानते हो कि ये बोल नहीं सकते। रिवायात बताती हैं कि बुतों को तोड़ने का अमल नमरूद समेत पूरी कौम के लिए नाकाबिले माफी जुर्म था, लिहाजा फैसला किया गया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाए ताकि आइंदा किसी को बुतों की बेहुरमती की हिम्मत ना हो। चुनाचे पूरी कौम लकड़ियां जमा करने के अमल में मसरूफ हो गई, यहां तक कि अगर कोई बीमार पड़ जाता या किसी का कोई काम ना होता तो वो मन्नत मानता कि अगर मुझे शिफा हो गई या मेरा काम मुकम्मल हो गया तो मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए लकड़ियों का गट्ठा दूंगा। कहते हैं एक मुद्दत तक कौम लकड़ियां जमा करती रही, जब लकड़ियों का पहाड़ खड़ा हो गया तो एक बहुत गहरी खंदक खोदी गई, लकड़ियों के उस ढेर को उसमें डाला गया। कहते हैं कि बहुत गहराई में होने के बावजूद भी लकड़ियों का ढेर आसमान से बातें कर रहा था। जिस दिन लकड़ियों के ढेर में आग लगाई जानी थी उसे पहले शैतान नमरूद के दरबार में पहुंचा और बोला, बादशाह सलामत, जब लकड़ियों के इस पहाड़ में आग लगेगी तो उसकी तपिश की वजह से कोई भी उसके करीब ना जा सकेगा, लिहाजा आप इब्राहीम को आग में कैसे डालेंगे। दोस्तों, ये वो सवाल था कि जो ना नमरूद के कुंद जहन में आया था और ना ही उसके मुशीरों और मुसाहिबों के। शैतान ने जब नमरूद को परेशान देखा तो फौरन बोला, तुम परेशान क्यों होते हो, मैं हूं ना, तुम बस ऐसा करो, अपना एक बेहतरीन शख्स मेरे हवाले कर दो, मैं उसे एक ऐसी मशीन बनाना सिखा दूंगा जिससे किसी भी चीज को काफी दूर तक फेंका जा सकता है। चुनाचे कौम में से एक बेहतरीन कारीगर को तलाश करके शैतान के हवाले कर दिया गया। अलामा इमादुद्दीन इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं कि जो मशीन बनाई गई उसे मंजनीक का नाम दिया गया। संगबारी की ये दस्ती मशीन एक मकाम पर खड़ी कर दी गई। कहते हैं मंजनीक बनाने वाले शख्स का नाम हेजन था। वो दुनिया का पहला इंसान था जिसने मंजनीक बनाई, जिसकी पादाश में अल्लाह ताला ने उसे ज़मीन में धंसा दिया और वो क़यामत तक ज़मीन में धंसता ही रहेगा। दोस्तों, तारीखी रिवायात में आता है कि शहर के लोग कई माह तक मैदान में लकड़ियाँ जमा करते रहे। दरअसल कौम नमरूद लकड़ियाँ जमा करने का काम अपने बातिल माबूदों की खुशनूदी के लिए कर रही थी, ताकि पत्थर के वो सब माबूद नाराजी खत्म कर दें और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथों होने वाले नुकसान की तलाफी हो सके। लकड़ी जमा करने के बाद 7 दिनों रात पूरी कौम उसमें आग लगाकर उसे भड़काती रही, यहां तक कि उसके शोले फिजा में आसमान तक इस कदर बुलंद हो गए कि अगर कोई परिंदा उस पर से गुजरे तो जल जाए। आग अपने गैज़ो गज़ब के साथ भड़क रही थी। अल्लाह के खलील को मोटी रस्सियों में जकड़कर मंजनीक के पलड़े में बैठा दिया गया। इब्लीस के मकरूह चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। वो भेस बदल कर इस पूरे अमल की निगरानी कर रहा था। जिस वक्त पैगंबर खुदा मंजनीक के ज़रिए आग के उस खौफनाक समंदर में डाले जाने वाले थे, उस वक्त मलाइका समेत ज़मीन व आसमान की सब मखलूकात चीख उठीं कि या रब, तेरे खलील पर क्या कयामत गुजर रही है। रब्बे ताला ने फरमाया, जाओ, अगर मदद कर सकते हो तो करो। फरिश्तों ने मदद करने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इजाज़त चाही तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, वो मेरा हाल देख रहा है। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, आप अलैहिस्सलाम को मुझसे किसी किस्म की मदद की हाजत है तो हुक्म करें, मैं हाजिर हूँ। फरमाया, हाजत तो है मगर आपकी तरफ से नहीं बल्कि अपने रब की तरफ से। दोस्तों, अलामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मुशरिकीन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक में बिठाने लगे तो उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ को विर्द ज़ुबान बनाए हुए थे, और हज़रत इमाम बुखारी ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो उन्होंने कहा, हसबुनल्लाहु व निअमल वकील, हमें अल्लाह ही काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो उन्होंने कहा, ऐ मेरे अल्लाह, तू आसमान में तन्हा है और ज़मीन में तेरी इबादत करने वाला तन्हा है। दोस्तों, अगरचे इस हवाले से रिवायात मुख्तलिफ हैं, लेकिन हासिल कलाम ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब को ही पुकारा और फरिश्तों की मदद लेने से इनकार कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने बराहे रास्त आग को मुखातिब किया।
जैसा कि इरशाद बारी ताला है, और हमने हुक्म दिया ए आग ठंडी पड़ जा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए सलामती वाली बन जा। और अमा फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला ठंडी के साथ सलामती वाली ना कहता तो इस आग की ठंडक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए नाकाबिल बर्दाश्त होती। बहरहाल ये एक बड़ा मौजज़ा है जो आसमान से बातें करती हुई दहकती भड़कती आग के गुलो गुलजार बन जाने की सूरत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह की मशीयत से ज़ाहिर हुआ। और इस तरह अल्लाह ने अपने नबी अलैहिस्सलाम को मुशरिकीन की शैतानी साजिशों से महफूज फरमाया। अलामा इब्ने कसीर कससुल अनबिया में तहरीर करते हैं कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सईद बिन मुसैब से मरवी है कि जिस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के सपुर्द किया जा रहा था, उस वक्त बारिश बरसाने वाला फरिश्ता सख्त इज़्तराब और परेशानी के आलम में कह रहा था कि कब मुझे हुक्म मिलेगा कि मैं मूसलाधार बारिश बरसाऊं। लेकिन अल्लाह का हुक्म उसकी सोच से भी ज़्यादा बरक रफ्तार था और अल्लाह ने खुद ही आग को हुक्म फरमा दिया। रिवायात बताती हैं कि इन नाजुक लम्हात में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ साथ थे और आप अलैहिस्सलाम की जबीनी अथर यानी पेशानी से पसीना पहुँच रहे थे और इस पसीने के अलावा कोई तकलीफ आप अलैहिस्सलाम को नहीं पहुंची। जैसा कि हज़रत काब बिन अबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि जिस रोज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आतिश नमरूद के सुपुर्द किया गया, उस रोज़ आग से तपिश व गरमाइश ख़त्म कर दी गई थी, जिसकी बिना पर ना लोगों के चूल्हे गर्म हो सके और ना ही आग से कोई काम लिया जा सका। और एक रिवायत में हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने मज़ीद फरमाया कि उस रोज़ आग ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बंधी हुई रस्सी के अलावा कुछ और ना जलाया। दोस्तों, हज़रत सदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ साया करने वाला फरिश्ता भी था और एक मील तक साया ठंडक और सलामती थी और सरसब्ज बागो गुल गुलजार बन गया था, जबकि आसपास आग अपने शोलों और शरारों के साथ भड़क रही थी और लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ देख रहे थे। सुभान अल्लाह। दोस्तों, एक रिवायत में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद के कहे हुए कलमात में से सबसे अच्छे कलमात वो हैं जो आज़र ने अपने बेटे को आग के अंदर इस हालत में देखते वक्त कहे, ऐ इब्राहीम, तेरा परवरदिगार बेहतरीन परवरदिगार है। इसी तरह इब्ने असाकर हज़रत अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने जब अपने लख्ते जिगर को गुलो गुलजार में यूं मुतमईन देखा तो पुकारा, ऐ मेरे बेटे, मैं भी तेरे पास आना चाहती हूँ, अल्लाह से दुआ कर कि तेरे इर्द गिर्द की आग की हरारत से मुझे नजात दे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, जी अम्मा। फिर आपकी वालिदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जानिब चली और आग ने उन्हें कुछ ना कहा। फिर बेटे के पास पहुँच कर बेटे को गले से लगाया और बोसा देकर वापस लौट आई। दोस्तों, इस आग में जाने के हवाले से एक वाकया नमरूद की बेटी के हवाले से भी यूं नकल किया जाता है। कहते हैं, नमरूद की छोटी बेटी जिसका नाम सक्का था, उसने अपने बाप से कहा कि ऐ मेरे बाप, मुझे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग में जो हालत है देखने दीजिए। बाप ने इजाज़त दी तो उसने देखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम सही और सलामत आग में बैठे हुए हैं। उसने पूछा, क्या बात है, आपको आग ने जलाया क्यों नहीं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि जिसकी ज़ुबान पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हो उसको आग कैसे जला सकती है। सक्का ने कहा कि फिर तो मैं भी आपके पास आने का मकसद रखती हूँ, मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह। उसने पढ़ा और आग में दाखिल हो गई, लेकिन आग ने उसको जलाया नहीं, उसके लिए भी आग ठंडी और सलामती वाली हो गई। आग से बाहर निकलकर अपने बाप नमरूद के पास आई तो उसने ऐलान कर दिया कि इसने दीन इब्राहिमी इख्तियार कर लिया। रिवायात में आता है कि इस पर नमरूद ने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए और उसको कैद कर दिया, लेकिन वो टस से मस ना हुई। आखिरकार जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि उसको उठाकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास छोड़ दिया जाए। हज़रत जिब्राईल अमीन ने सिक्का को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास छोड़ा तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसका अकद अपने साहबजादे के साथ कर दिया, जिससे अल्लाह ताला ने 20 नबी पैदा किए। दोस्तों, ये वाकया अगरचे कुतुब में नकल किया गया है, लेकिन फुकहा से जब इस वाक़े के बारे में पूछा जाए तो उनके मुताबिक मोतबर किताबों में
तलाश के बावजूद नमरूद की बेटी के आग में दाखिल होने से मुतालिक कोई तफसील नहीं मिलती। दोस्तों जरा सोचें कि कुफार और मुशरिकीन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इंतकाम लेना चाहते थे मगर रुस्वा जलील हुए, बुलंद होना चाहा लेकिन पस्तो ख्वार हुए, गालिब होना चाहा मगर मगलूब हो गए। शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इश्क हकीकी को बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। फरमाते हैं, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशाए लबे बामे अभी। दोस्तों जहां तक आग में रहने की मुद्दत की बात है तो रिवायात के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो आप अलैहिस्सलाम की उम्र 16 या 20 साल थी। और आप अलैहिस्सलाम कितनी मुद्दत तक आग में रहे, इस सिलसिले में तीन अकवाल हैं। बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं आप 7 दिन तक आग में रहे, बाज़ ने तहरीर किया कि 40 दिन रहे और बाज़ के मुताबिक 50 दिन तक आग में रहे। और इस हवाले से एक रिवायत में हज़रत मिनहाल बिन अमर से मरवी है, फरमाते हैं कि मुझे खबर पहुंची है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ गुल गुलजार में 40 या 50 दिन ठहरे और उन्होंने फरमाया कि दिनों और रातों में मैंने उनसे अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजारी और मेरी तमन्ना रही है कि मेरी तमाम ज़िंदगी उसकी तरह हो जाए। दोस्तों आपको बताते चलें कि कुरान मजीद में आतिश नमरूद जिसमें अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाला गया था उसका 4 मकामात पर जिक्र आया है। कुरान मजीद की 21वीं सूरत सूरतुल अनबिया की आयात 68 और 69 में, सूरह अनकबूत 24वीं और 37वीं आयात में, सूरह साफात की आयत नंबर 97 में। दोस्तों आपको बताते चलें कि आतिश नमरूद के साथ बहुत से वाकयात मंसूब हैं जिनमें से एक छिपकली के हवाले से भी है। इस हवाले से हज़रत फाकिहा बिन मुगैदा की आज़ाद करदा लौंडी साहिबा से रिवायत है कि सईदा आयशा सिद्दीका के पास एक नेज़ा हुआ करता था। मैंने उनसे पूछा कि आप इससे क्या काम लेती हैं, फरमाया कि हम इससे छिपकलियाँ मारते हैं क्योंकि हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो ज़मीन के सब जानवर आग बुझाने में मसरूफ़ थे सिवाय छिपकली के, वो आग तेज़ करने के लिए फूंके मारती थी। चुनाचे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मारने का हुक्म दिया। दोस्तों छिपकली के अलावा एक और वाकया भी कुतुब में मनकूल है, ये भी आपके गोश गुजार करते हैं। कहते हैं एक तरफ तो नमरूदी लश्कर आग दहका रहे थे और दूसरी तरफ एक चिड़िया इस अलाव के ऊपर से परवाज करती चक्कर लगा रही थी। उसने नारे नमरूद के ऊपर कई चक्कर लगाए तो किसी साहिब हाल ने उससे सवाल किया कि ए नन्नी चिड़िया, तू यहाँ कैसे आई है और क्या करने चली जाती है? चिड़िया ने जुबान से जवाब दिया कि मैं जब भी आती हूँ तो मेरी चूंच में पानी का कतरा होता है, वो कतरा मैं नारे नमरूद पर डालकर दोबारा पानी अपनी चूंच में भरने के लिए चली जाती हूँ और फिर वापस आकर नमरूदी आग को बुझाने की कोशिश करती हूँ। चिड़िया से सवाल करने वाले ने उससे मुखातिब होकर कहा कि ऐ चिड़िया, तू भी कैसी सादा और भली मानस है जिस आग ने मीलों इलाके को जहन्नम जार बना रखा है, जिस आग के शोले आसमान से बातें कर रहे हैं, जिस आग को दहकाने और भड़काने के लिए नमरूद ने अपने सारे लश्कर वक्फ कर रखे हैं, तो अपनी नन्ही सी जान से इस आग को कैसे बुझा सकती है? जा चली जा, अपने बच्चों के लिए दाना दुनका इकट्ठा कर, ये ना हो कि आग कहीं तेरे परों को जलाकर ही खाकसतर ना कर दे। साहिब दिल बुजुर्ग की ये बातें सुनकर चिड़िया बोली, गोके मैं बहुत नहीफ और कमजोर हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी चूंच में लाया गया ये कतरा कतरा पानी इस भड़कती हुई आग को नहीं बुझा सकता, मगर ये मेरा अमल कयामत तक आने वाली नस्लों के लिए सबक आमूज बन जाएगा कि जब नमरूद के लश्करों के लश्कर और नमरूदी सल्तनत का हर हर फर्द इस आग को भड़काने में मसरूफ था तो एक नन्ही सी चिड़िया आग बुझाने की कोशिश करती रही। सो मैं खुद को आग भड़काने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में शामिल रखना चाहती हूँ। दोस्तों इस वाक्य के बाद हमें अपने बारे में फैसला कर लेना चाहिए कि हम किस तबके के साथ शामिल होना चाहिए। दोस्तों ये था तज़किरा नमरूद की आग का जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस वजह से फेंका गया कि आप अलैहिस्सलाम तौहीद की दावत देते हैं और नमरूदियों ने आप अलैहिस्सलाम का ये अजीम मोजज़ा भी देखा कि अल्लाह ताला ने आग को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार बना दिया। लेकिन कुरान पाक ये बयान कर चुका है कि अल्लाह ताला ज़ालिमों को हिदायत अता नहीं फरमाता। ये मोजज़ा देख कर भी नमरूद ने आपकी दावत को कबूल न किया और आप अलैहिस्सलाम के साथ मुकाबला किया और अल्लाह ताला की सरकशी से बाज ना आया।
फिर उसका और उसकी कौम का अंजाम क्या हुआ, आइए इस बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, जब नमरूद ने सरकशी की और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम अपने लश्कर को लाओ, मैं अपना लश्कर लाता हूँ, और मुकाबला करना चाहा, तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि ये नाफरमान तेरे साथ मुकाबला करना चाहता है, तू ही इसको हलाक कर। यूँ अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और नमरूद के लश्करों पर अल्लाह ताला ने अपनी फ़ौज भेजी, जो दुनिया की अदना मखलूक थी, यानी मच्छरों का लश्कर भेजा, जिसने उस कौम को तबाह कर डाला। दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि नमरूद की कौम पर मच्छरों का अजाब भेजा गया। मच्छरों की ज्यारती का ये हाल था कि उनसे सूरज छुप गया था, ज़मीन पर धूप ना आती थी, मच्छरों ने उनके खून चूस लिए, गोश्त चाट लिए, सिवाय नमरूद के बाकी सब की हड्डियां ही बाकी रह गईं। नमरूद देखता था मगर कुछ न कर सकता था। फिर एक मच्छर उसकी नाक के जरिए दिमाग में घुस गया और 400 साल तक मगज काटता रहा। जब ऊपर से धमक पहुंचती तो काटना छोड़ देता वरना काटता। चुनाचे दिन रात उसके सर पर जूते और थप्पड़ पड़ते रहते। अब उसके दरबार का अदब ये था कि जो आए उसके सर पर जूता रसीद करे। इससे पहले 400 साल बहुत आराम से सल्तनत की और 400 बरस पिटता रहा, फिर इसी हाल में जिल्लत के साथ मरा। कहते हैं उसकी उम्र 800 साल से कुछ ही ज्यादा हुई। दोस्तों, ये था तज़किरा नमरूद के हवाले से और नमरूद की आग के हवाले से और नमरूद के अंजाम के हवाले से जो तारीखी रिवायात में मिलता है। आइए अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से चंद खास वाक़यात आपको बताते हैं। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद के मनाज़रे में एक अहम बात ज़िंदगी और मौत के हवाले से थी, जिसमें मुर्दों को ज़िंदा करने की अकीदे की बात भी है। इस हवाले से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक वाक़या है। इस वाक़े की तफसीलात आपको बताते हैं कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को ज़िंदा होते देखना चाहा, इसका तज़किरा क़ुरान पाक में यूँ हुआ है, और जब अर्ज की इब्राहीम ने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे दिखा दे तो क्यों कर मुर्दे जिंदा करेगा, फरमाया, क्या तुझे यकीन नहीं? अर्ज किया, यकीन क्यों नहीं, मगर मैं ये चाहता हूं कि मेरे दिल को करार आ जाए। दोस्तों, यहां एक सवाल किया जाता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिंदा करने का सवाल क्यों किया। तो आपको बताते चलें कि इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी 17 वजूह बयान फरमाई है, लेकिन अलामा नौवी रहमतुल्लाह अलैह ने 4 के मुतालिक बयान फरमाया कि ये जाहिर और वाजे हैं और बाकी वजूह गैर जाहिर हैं। पहली वजह यह बयान की कि आप अलैहिस्सलाम पहले इल्म इस्तदलाली हासिल था, अब आप मुर्दों को जिंदा करने की कैफियत का मुशाहिदा करना चाहते थे ताकि इल्म ज़रूरी बदेही भी हासिल हो जाए। इसलिए कि इमाम अबू मंसूर मातरीदी रहमतुल्लाह अलैह का मज़हब ये है कि इल्म इस्तदलाली कभी शकूक वाक़े होते हैं, लेकिन इल्म ज़रूरी शकूक से पाक होता है। जो इल्म मुशाहदे से अयानन हासिल हो वो ज़रूरी होता है। दोस्तों, ख्याल रहे कि खुद नबी के लिए इल्म इस्तदलाली या ज़रूरी में फ़र्क नहीं होता, क्योंकि नबी का इल्म शक से पाक होता है। अलबत्ता सवाल करने की वजह यह थी कि किसी को भी ये कहने का हक हासिल ना हो कि तुमने तो मुर्दों को जिंदा होते देखा नहीं, तुम्हारे इल्म पर कैसे यकीन किया जाए। दोस्तों, अलामा ने दूसरी वजह यह बयान की है कि आप ये जानना चाहते थे कि मेरा मर्तबा अल्लाह के नज़दीक क्या है और मेरी दुआ की कबूलियत का क्या मकाम है। इस सूरत में अवलम तुमिन का मतलब ये होगा, क्या तुम्हें यकीन नहीं तुम्हारा मर्तबा मेरे नज़दीक अजीम है, तुम मेरे पसंदीदा हो और तुम मेरे खलील हो। तीसरी वजह यह बयान फरमाई कि आप अलैहिस्सलाम को पहले भी शक नहीं था, आप अलैहिस्सलाम ने सवाल इसलिए किया ताकि इल्मुल यकीन से ऐनुल यकीन की तरफ तरक्की हो जाए, क्योंकि इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। इसलिए कि ऐनुल यकीन मुशाहदे के बाद हासिल होता है, लेकिन इल्मुल यकीन में मुशाहदा ज़रूरत नहीं। चौथी वजह यह बयान फरमाई कि जब आप अलैहिस्सलाम ने मुशरिकीन पर यह दलील कायम फरमाई कि मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है, फिर आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज किया, ऐ अल्लाह, तू किस तरह मुर्दों को जिंदा करता है, यानी उनको मेरे सामने जिंदा कर मैं देखूं ताकि मेरी दलील काफिरों पर जाहिर हो जाए। दोस्तों, इस हवाले से एक एतराज ये किया जाता है कि हदीस शरीफ में तो आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शक करने में ज़्यादा हक रखते हैं,
इससे तो पता चलता है कि आपने मुर्दों को जिंदा करने का सवाल शक की वजह से किया था, यानी आपको यकीन नहीं था। इसका जवाब में उलमा फरमाते हैं कि हदीस पाक के तर्जमे और समझने में लोग गलती करते हैं। हदीस पाक का ये मतलब नहीं जो मोतरजीन पेश करते हैं। हदीस पाक के तर्जमे और वजाहत की तरफ तवज्जो करें तो मतलब खुद वाज हो जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शक किया होता तो हम बनिस्बत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के शक करने का ज़्यादा हक रखते। जब अर्ज़ की इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, ऐ मेरे रब मुझे दिखा दे तो मुर्दे किस तरह जिंदा फरमाएगा, और फरमाया क्या तुझे यकीन नहीं, अर्ज़ की क्यों नहीं, मगर ये चाहता हूँ कि मेरे दिल को करार आ जाए। इस हदीस पाक का ये मतलब नहीं कि माज़अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के मुर्दों को ज़िंदा करने में शक किया था और हमें उनकी निस्बत ज़्यादा शक है, बल्कि इस हदीस पाक का तर्जमा जो बयान किया है इससे मतलब वाज़ेह हो रहा है। ताहम ज़्यारती वजाहत के लिए अलामा नौवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस पाक की शरह बयान की है। इससे एक कौल बयान किया जा रहा है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद जिसका तर्जुमा है, इस हदीस पाक का मतलब यह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का शक करना महाल है। अगर अल्लाह ताला के मुर्दों को जिंदा करने में अनबिया इकराम अलैहिस्सलाम से शक वाकई हो सकता तो बनिस्बत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के शक करने में ज्यादा हक रखता, और तहकीक तुम्हें यकीनन मालूम है कि मुझे मुर्दों को जिंदा करने में कोई शक नहीं। तुम्हें यकीनन इस अमर का भी इल्म होना चाहिए कि करने में मैं ज्यादा हक रखता हूँ, और तहकीक तुम्हें यकीनन मालूम है कि मुझे मुर्दों को जिंदा करने में कोई शक नहीं। तुम्हें यकीनन इस अमर का भी इल्म होना चाहिए कि बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसमें कोई शक नहीं था। दोस्तों, ख्याल रहे, इस हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फजीलत बयान की और इज़्ज़ो इनकसारी से अपने आप को इनसे कम मरतबा बयान किया, वरना दूसरे मकाम पर हकीकत बयान करते हुए तमाम कायनात पर अपनी फजीलत भी बयान की है। दोस्तों, ये तो तज़किरा था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सवाल करने पर होने वाले एतराज़ात का। अब चलते हैं असल वाक़ये की जानिब और आपको बताते हैं कि किस तरह से अल्लाह ताला ने मुर्दे जिंदा होते हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिखा दिए और कौन से परिंदे इस मकसद के लिए मुंतखब किए गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुर्दों को जिंदा करने की ख्वाहिश के जवाब में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अच्छा, चार परिंदे लेकर अपने साथ मानूस कर लो, फिर उनका एक एक टुकड़ा हर पहाड़ पर रख दो, फिर उन्हें बुलाओ, वो तुम्हारे पास चलते आएंगे, पाँव से दौड़े और जान लो कि अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। रिवायात बताती हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चार परिंदे यानी मोर, गिद्ध, एक रिवायत में गिद्ध की जगह कबूतर का जिक्र है, कौवा, मुर्ग अपने साथ पहले मानूस किए, फिर अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक उनके टुकड़े किए और उनके गोश्त और हड्डियाँ वगैरह को गलत मलत करके चार पहाड़ों पर उनको रख दिया। फिर आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें पुकारा, ऐ जुदा जुदा हड्डियों, ए मुतफर्रिक गोश्त के टुकड़ों, ए काटी हुई रगो, एक दूसरे से मिल जाओ ताकि अल्लाह ताला तुम्हारी रूहों को तुम में लौटा दे। ये सुनकर हड्डियां अपनी दूसरी हड्डियों की तरफ चलीं, यानी हर परिंदे की अपनी अपनी हड्डियां एक दूसरी से मिल गई, पर दूसरे परों से जा मिले, गोश्त के टुकड़े दूसरे गोश्त के टुकड़ों से जान मिले, यहाँ तक कि खून से खून मिल गया। इस तरह आप अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि आपके सामने मुर्दों को जिंदा करके आपको ऐनुल यकीन का मर्तबा अता कर दिया गया। फिर अल्लाह ताला ने आपकी तरफ वही की कि ऐ इब्राहीम, तुमने मुझसे सवाल किया था कि तुम मुर्दों को कैसे जिंदा करता है, बेशक मैंने ज़मीन को पैदा किया, इसमें चार किस्म की हवाएँ कायम की हैं, शुमाली जानिब से चलने वाली हवा, जनूबी जानिब से चलने वाली हवा, बादे सबा, बादे बूर, यहाँ तक कि जब कयामत का दिन होगा तमाम मुर्दे और मकतूल सूर फूंकने पर जमा हो जाएंगे, जैसे इन चार परिंदों को तुम्हारे सामने पहाड़ों से जमा कर दिया गया है। मेरे सामने तुम तमाम का पैदा करना और फिर मौत के बाद जिंदा करना ऐसे ही है जिस तरह किसी एक शख्स को पैदा करना या जिंदा करना है। दोस्तों, बाज़ अहले इल्म ने बयान किया है कि चार परिंदों के जमी अज्जा मिलाकर पहाड़ों पर रखे गए थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह के इज़न से उनको बुलाया तो
तो वो जिंदा होकर आप अलैहिस्सलाम के पास दौड़ते हुए आ गए। मानूस करने में हिकमत भी यही थी कि आप उनके आने पर पहचान लें कि ये वही परिंदे हैं जो मैंने अपने साथ मानूस किए थे। और बाज ने कहा कि आपने उनके सरों को अपने पास रख लिया था। आपके बुलाने पर उनके तमाम अज्जा अपने अपने अज्जा से मिलकर अपने अपने सरों से आकर मिल गए। अल्लाह ताला की कुदरत से कोई सूरत भी बाईद नहीं। ये जो सूरत भी हो कुदरत की अजीब निशानी का जहूर है। दोस्तों बाज लोग ये सवाल करते हैं कि तमाम जानदारों से परिंदों का इंतखाब ही क्यों किया गया। तो दोस्तों आइए आपको बताते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चार परिंदे मानूस करने का हुक्म दिया और हैवानों का हुक्म नहीं दिया, इसकी क्या वजह है? इसकी दो वजहें बयान की जाती हैं। एक ये कि परिंदों को अल्लाह ताला ने फिज़ा में उड़ने और हवा में बुलंद होने की ताकत अता फरमाई है, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अलू मरतबत यानी मरातब की बुलंदी और मलकूत तक पहुँचने की हिम्मत अता फरमाई है, इसलिए परिंदों को ज़बह करने और गोश्त को मिला जुला कर रखने का हुक्म दिया ताकि आपका मौजज़ा आपके मरातब के मुशाबे हो जाए। दूसरी वजह यह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब परिंदों को ज़बह कर दिया और उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया और मिला जुला कर पहाड़ों की चोटियों पर रख दिया, फिर उनको बुलाया तो तमाम टुकड़े मिले जुले गोश्त से जुदा होकर अपने अपने टुकड़ों से मिल गए। क़यामत के दिन भी इसी तरह तमाम बिखरे हुए ज़र्रात जमा हो जाएंगे और उनसे बदन मार्जी वजूद में आएंगे, उनकी रूहें उनसे मिल जाएंगी। दोस्तों इस वाक़े में एक अहम बात यह भी है कि चार परिंदों का हुक्म क्यों दिया गया। हालांकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ मुर्दा को ज़िंदा होते हुए देखने की दरख्वास्त की थी, लेकिन मालिकुल मुल्क ने कहा, ऐ मेरे खलील, तुमने तो अपनी अबूदियत के पेशे नज़र एक मुर्दे को ज़िंदा होते देखना चाहा, लेकिन मैं अपनी रुबूबियत की वजह से तुम्हें चार मुर्दा को ज़िंदा करके दिखाता हूँ। दूसरी वजह यह थी कि हैवानात वगैरह अनासर अरबा यानी आग मट्टी पानी हवा से मुरक्कब हैं, इसलिए चार को ज़िबा करने का हुक्म दिया कि मैं जिस तरह इन चार को ज़िंदा कर रहा हूँ ऐसे ही तमाम अनासर अरबा यानी आग मट्टी पानी हवा से मुरक्कब हैं, इसलिए चार को ज़िबा करने का हुक्म दिया कि मैं जिस तरह इन चार को ज़िंदा कर रहा हूँ ऐसे ही तमाम अनासर अरबा के मुरक्कबात को ज़िंदा करूँगा। मुफसरीन मज़ीद वजाहत फरमाते हैं कि तमाम परिंदों में से मोर गिद्ध मुर्ग और कव्वे को मुंतखब करने की वजह यह है कि इंसान को जीनत मरतबा बुलंद मरातब से मोहब्बत है और ये औसाफ मोर में भी पाए जाते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ख्वाहिशात की मोहब्बत को लोगों के लिए मुजयन कर दिया गया है। दोस्तों इंसान जिस तरह ज़्यादा खाने से शगफ रखता है इसी तरह गिद्ध को भी खाने से ही ज़्यादा काम होता है। इसी तरह इंसान को फ़र्ज की ख्वाहिशात पूरी करने से जिस तरह काम होता है इसी तरह मुर्ग में भी यह वसफ़ पाया जाता है। इंसान माल तलब करने और जमा करने का ज़्यादा हरीस होता है, इसी तरह कौवा भी माल की तलब और जमा करने का हरीस होता है, क्योंकि सिवाय कौवे के रात को उड़ने वाला कोई परिंदा नहीं और सख्त सर्दी में दिन को सिर्फ कौवा ही निकलता है। दोस्तों इन चार को मुंतखब करने में इस हिकमत की तरफ इशारा है कि इंसान जब तक ख्वाहिशात नफसानियाँ और ख्वाहिशात फ़र्ज और माल की हिर्स और जेब व जीनत को ख़त्म नहीं करेगा उस वक्त तक उसके दिल पर रूहानियत का असर नहीं होगा और ना ही उसे अल्लाह ताला के जलाल के नूर से राहत हासिल होगी। दोस्तों ये थी तफसीलात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुर्दों को ज़िंदा करने की ख्वाहिश के हवाले से जो अल्लाह ताला ने पूरी फरमाई, और इस वाक़े में क्या हिकमतें और सबक मौजूद हैं ये भी आपने मुलाहिज़ा किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से चंद मज़ीद वाक़यात भी पेश करते हैं, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। दोस्तों अब तज़किरा करते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हिजरत करने का। कुरान पाक में इरशाद है, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं जा रहा हूँ जहाँ मेरे रब ने हुक्म दिया है, वही मेरी रहनुमाई फरमाएगा। दोस्तों रब्बे ताला के इरशाद में इला रब्बी का मतलब बयान करते हुए अलामा अलूसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जहाँ मेरे रब ने हुक्म दिया है मैं वहाँ जा रहा हूँ कि मैं वहाँ अपनी इबादत को बेहतर तरीके से अदा कर सकूँगा, क्योंकि जो कौम मेरी निशानियां देखकर भी ईमान नहीं लाई वहां ठहरना अब बेमकसद है, और जब अल्लाह ताला ने भी हुक्म दे दिया है तो अब यहां से हिजरत करना ज़रूरी हो चुका है। दोस्तों रिवायात बताती हैं कि इब्तदाई तौर पर आप नमरूदी कौम से हिजरत करके अपने चचा हारान के पास हरान में आ गए थे,
और हारान ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नेक बख्ती देखकर अपनी बेटी सारा का निकाह आप अलैहिस्सलाम से कर दिया। रिवायात बताती हैं कि हज़रत सारा अलैहिस्सलाम बहुत ही खूबसूरत औरत थीं। मर्दों में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और औरतों में हज़रत सारा अलैहिस्सलाम बहुत हसीन हुए। बल्कि कहा जाता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी दादी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के हुसन से ही हुसन मिला था। रिवायात के मुताबिक हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वहाँ भी अपना सिलसिला तबलीग जारी रखा, इसलिए आप अलैहिस्सलाम के चचा हारान ने भी आपको घर से निकाल दिया। दौरान हिजरत रास्ते में मिस्र के जालिम बादशाह का वाकया पेश आया और हज़रत सारा को हज़रत हाजरा अता की गई। दोस्तों रिवायात बताती हैं कि हिजरत करने वाला काफिला जब हारान से चला था सिर्फ 3 आदमियों पर मुश्तमिल था। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत सारा और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इस काफिले के अफराद अल्लाह ताला की वहदानियत को मानने वाले उस वक्त सिर्फ यही थे। चलते वक्त हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा का मुआहदा हुआ था कि एक दूसरे की बात को माना जाएगा। रास्ते में जब हज़रत हाजरा भी मिल गईं तो अब काफिले के 4 फर्द हो गए जो तमाम ही अल्लाह को मानने वाले थे। रिवायात में आता है कि मिस्र से जब ये 4 अफराद रवाना होकर फ़लस्तीन पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने उनकी कदरों मंजिलत को समझा और उनके आने को बाईस बरकत समझा और बहुत सी ज़मीन आपकी खिदमत में बतौर नज़र पेश की। इस ज़मीन में खेती बाड़ी से अल्लाह ताला ने बहुत बरकत अता फरमाई। आप अलैहिस्सलाम के पास गल्ला और जानवर काफ़ी मकदार में हो गए। आप अलैहिस्सलाम ने मुसाफिरों और गुरबा को रहने और खाने की सहूलियात अता की। इसी तरह मेहमान नवाजी में आप अलैहिस्सलाम को एक मुनफरिद मकाम हासिल हो गया। दोस्तों रिवायात बताती हैं कि एक दिन हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि हमारे पास अल्लाह ताला के फजलो करम से ज़रूरियात दुनिया में यानी खाने पीने की अशिया और रहने के मकानात की तो कोई कमी नहीं, अलबत्ता औलाद की कमी है, इसलिए आप हाजरा से निकाह कर लें, हो सकता है अल्लाह ताला हमें औलाद से नवाज दे, यानी हाजरा के बतन से पैदा होने वाला बच्चा हमारे लिए तस्कीन और राहत का सबब बन जाए। इसी तरह हज़रत सारा के कहने पर और अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हज़रत हाजरा से निकाह हो गया। दोस्तों कुरान पाक में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए दुआ यूं मनकूल है, इलाही मुझे नेक औलाद दे दे। दोस्तों अल्लाह ताला ने आपकी इस दुआ को शर्फ़ कबूलियत बख्शते हुए इरशाद फरमाया, तो हमने उसे खुशखबरी सुनाई एक बुर्दबार लड़के की। इस बशारत से मुराद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की विलादत की बशारत है, क्योंकि अलामा अलूसी हलीम की तफसीर करते हुए फरमाते हैं, आप अलैहिस्सलाम को बशारत दी गई कि आपको एक बेटा अता किया जाएगा जो हलीम होगा, इससे बढ़कर हिलम की और क्या मिसाल मिलेगी। जब आप बलौगत की करीब थे तो आपके वालिद ने आपको कहा कि मैं तुम्हें ख्वाब में ज़िबा करते हुए अपने आप को देख रहा हूँ, इसमें तुम्हारी क्या राय है। तो इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि आप मुझे इंशाअल्लाह साबिरों से पाएंगे। दोस्तों ये हिलम तो बालिग होने से पहले का है, ज़रा सोचिए कि बालिग होने के बाद आप अलैहिस्सलाम के हिलम का क्या मकाम होगा। इस बहस से वाज़े हुआ कि बयान की गई आयत में इस्माईल अलैहिस्सलाम की बशारत है। इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद इसहाक अलैहिस्सलाम की बशारत कुरान मजीद में यूं बयान हुई है, बस हमने उसे यानी सारा को इसहाक की खुशखबरी दी और इसहाक के पीछे याकूब की। मुफसरीन फरमाते हैं कि हज़रत सारा को बशारत देने की वजह ये थी कि औलाद की खुशी औरतों को बनिस्बत मर्दों के ज़्यादा होती है, और दूसरी वजह यह थी कि हज़रत सारा की औलाद नहीं थी, इसलिए ज़्यादा खुशी उनको ही हासिल हुई थी, क्योंकि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा इस्माईल पहले ही पैदा हो चुका था। दोस्तों मुफसरीन फरमाते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बशारत देने से इस तरफ इशारा था कि सारा की उम्र इतनी बड़ी होगी कि ये अपने इसहाक के बेटे याकूब को भी देखेंगे। रिवायात बताती हैं कि हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की उम्र उस वक्त 90 साल थी। तफसीर जलालीन में 99 साल मजकूर है और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 120 साल थी। इसीलिए हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब करते हुए कहा, अजीब बात है कि मेरा बच्चा पैदा होगा जबकि मैं बूढ़ी हूँ और मेरे शौहर बूढ़े हैं, बेशक ये तो बहुत ही ताज्जुबनाक बात है। दोस्तों याद रहे कि इसहाक अलैहिस्सलाम छोटे और इस्माईल अलैहिस्सलाम बड़े हैं। रिवायात बताती हैं कि इसहाक अलैहिस्सलाम की बशारत देने के 1 साल बाद अल्लाह ताला ने उन्हें पैदा फरमा दिया और इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 14 साल बाद इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई।
یعنی ان کی پیدائش کے 13 سال بعد اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی گئی۔ دوستو یاد رہے کہ حضرت اسماعیل، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام تینوں نبی ہوئے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ہم نے اسے یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور ہر ایک کو نبی بنایا۔ اسی طرح ایک دوسری آیت میں ارشاد ہے، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا کی اور ان کے لیے سچی بلند ناموری لکھی۔ دوستو اس آیت میں اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف اتنی لمبی ہوئی کہ آپ علیہ السلام نے اپنے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا۔ اور اس آیت سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہجرت کرنے اور اپنے گھر بار کو چھوڑنے کی یہ جزا ملی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے، پوتے اور مال و دولت سے نوازا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا، اللہ کا رسول اور نبی تھا، اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا اور اپنے رب کو پسند کرتا۔ دوستو روایات بتاتی ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو وعدہ بھی کیا اسے ضرور پورا فرمایا۔ ایک مرتبہ آپ اور آپ کا ایک ساتھی کہیں جا رہے تھے تو شہر کے قریب پہنچ کر آپ کے ساتھی نے کہا، یہاں میں بیٹھتا ہوں اور تم شہر جا کر کھانا خرید لاؤ، یا تم بیٹھو اور میں کھانا خرید کر لاتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہارا انتظار کروں گا اور تم ہی چلے جاؤ، کھانا خرید لاؤ۔ وہ گیا اور بھول گیا۔ 3 دنوں کے بعد اسے یاد آیا، یا بعض روایات میں ہے کہ 1 سال کے بعد وہاں لوٹا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں ہی موجود تھے۔ اس نے تعجب سے پوچھا، تم ابھی یہاں ہی ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، وعدے کے مطابق منتظر تو رہنا ہی تھا۔ دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں ایک اہم واقعہ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو حرم کی سرزمین میں چھوڑنے کے حوالے سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا کہ آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی زوجہ ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو حرم کی سرزمین میں چھوڑ آؤ۔ اس وقت وہاں کوئی شہر اور آبادی نہیں تھی بلکہ بیابان جنگل تھا۔ دوستو مفسرین کے نزدیک آپ علیہ السلام کو وہاں چھوڑنے کا حکم دینے میں ایک تو امتحان لینا مقصود تھا، پھر کعبہ شریف کی تعمیر اور مکہ مکرمہ کو آباد کرنا مقصود تھا، اور حضرت سارہ سے ہجرت کے وقت جو وعدہ کیا گیا تھا، تمہاری بات مانی جائے گی، اس وعدے کا پاس کرانا بھی مقصود تھا۔ کیونکہ جب حضرت سارہ علیہ السلام نے پہلے تو ہاجرہ سے نکاح کرنے کا مشورہ دیا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اپنی اولاد نہ ہونے پر غیرت بھی کھائی اور اللہ کے حضور درخواست کی کہ ابراہیم کو حکم دو کہ وہ اپنے اس بیٹے اور اپنی زوجہ ہاجرہ کو مجھ سے دور چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے آپ کو حکم دیا کہ آپ ان کو حرم کی زمین پر چھوڑاؤ۔ دوستو روایات بتاتی ہیں کہ جہاں آج زمزم ہے وہاں ایک درخت تھا، اس وقت نہ مکہ تھا اور نہ ہی کسی انسان کا وہاں بسیرا تھا، اور وہاں پانی بھی نہیں تھا۔ آپ نے ایک تھیلے میں کچھ کھجوریں اور ایک مشکیزے میں کچھ پانی ماں بیٹے کے حوالے کرتے ہوئے اور ان کو زمزم کے کنویں کے ایک درخت کے نیچے چھوڑتے ہوئے واپس لوٹے تو حضرت ہاجرہ نے آپ کا پیچھا کرتے ہوئے پوچھا، اے ابراہیم، آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں کوئی ہمارا غمخوار، مونس و ہمدم نہیں، اور نہ ہی یہاں کوئی آبادی کہ کھانے پینے کی چیز مل جائے۔ کئی مرتبہ ہاجرہ کے پوچھنے پر بھی آپ علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا تو پھر حضرت ہاجرہ نے پوچھا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا، اچھا، ہمیں اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کہتے ہوئے واپس اپنی جگہ پر لوٹ آئیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک گھاٹی کے پاس پہنچے جہاں سے آپ علیہ السلام کو اپنی زوجہ اور بیٹا نظر آ رہے تھے۔ آپ نے بیت اللہ شریف کی طرف توجہ کی۔ اس وقت صرف بیت اللہ کی بنیادیں ایک ٹیلے کی مانند نظر آتی تھیں۔ یہاں آپ نے دعا کی، اے ہمارے رب، میں نے بسا دیا ہے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں جس میں کھیتی باڑی نہیں، تیرے حرمت والے گھر کے پڑوس میں، اے ہمارے رب، یہ اس لیے تاکہ وہ نماز قائم کریں، بس کر دے لوگوں کے دلوں کو کہ وہ شوق و محبت سے ان کی طرف مائل ہوں، اور انہیں رزق دے پھلوں سے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ دوستو روایات بتاتی ہیں کہ حضرت ہاجرہ اپنے بچے حضرت اسماعیل کو دودھ پلاتی رہیں، یہاں تک کہ وہ مشکیزے میں جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا اور کھجوریں بھی ختم ہو گئیں۔ حضرت ہاجرہ بھی بھوکی پیاسی ہو گئیں، دودھ کا بننا بھی ختم ہو گیا،
बच्चा भी भूख प्यास से परेशान हाल था, अपने होंठों पर जुबान फेरने लगा। बच्चे का ये हाल माँ से बर्दाश्त ना हो सका। आप करीब एक पहाड़ी सफा पर चढ़ती कि कहीं से पानी का आता पता चल जाए या कोई इंसान नजर आए, फिर इसी ख्याल से मरवा पर आती। दरमियान में नशेबी जगह जब पहुंचती हैं जहां से बच्चा नजर नहीं आता वहां दौड़ती हैं, जब नशेबी जगह को अबूर कर लेती हैं और ऐसी जगह पहुंचती हैं जहां से बच्चा नजर आने लगता है तो वहां आहिस्ता हो जाती हैं। मरवा पर पहुंचकर भी पानी या कोई इंसान नजर नहीं आता। आप बेकरारी के आलम में फिर सफा पर मरवा पर सात चक्कर ऐसे ही लगाती हैं। आखिरी मरतबा मरवा पर आपने एक आवाज़ सुनी, अपने आप को कहने लगी खामोश। ख्याल किया शायद मेरे अवसान खता हो गए, यहाँ कौन है, ये मुझे वैसे ही आवाज़ आ रही है। फिर दोबारा आवाज़ सुनने पर कहा कि अगर यहाँ कोई फरियाद को सुनकर पहुँचने वाला हो सकता है तो फरिश्ता ही हो सकता है। देखा तो बच्चे के करीब एक फरिश्ता खड़ा है। इस्माइल की एड़ी के पास उसने अपनी एड़ी या पर मारा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी रगड़ने की जगह से पानी का एक चश्मा जारी हो गया। हज़रत हाजरा ने पानी के इर्द गिर्द बंद बांध कर एक हौज़ की शक्ल दे दी। वो पानी जोश मार रहा था। आपने खुद भी पिया, बच्चे को भी पिलाया और पानी को कहा जम जम, रुक जा रुक जा। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा पर रहम करे, अगर आप जमजम को इस तरह रहने देती। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आप इससे जल्दी से चुल्लू भरती तो जमजम जारी चश्मा होता। रिवायात बताती हैं कि इस तरह हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब चश्मे से पानी पिया तो आपका दूध भी जारी हो गया जो बच्चे को पिलाया, और फरिश्ते ने आपको कहा तुम कोई खौफ ना करो कि तुम ज़ाय हो जाओगी, बेशक यहाँ बैतुल्लाह है, उसकी तामीर या बच्चा और उसका बाप करेंगे, बेशक अल्लाह ताला अपने मुकर्रबीन के अजर को ज़ाय नहीं करता। रिवायात के मुताबिक कुछ वक्त के बाद वहाँ से जरहम कबीले का गुज़र हुआ, जिन्होंने देखा कि परिंदे उड़ रहे हैं। उन्होंने ख्याल किया कि परिंदे वहाँ ही होते हैं जहाँ पानी हो, यकीनन यहाँ कहीं पानी होगा। उन्होंने अपने एक शख्स को भेजा जिसने देखा कि एक पानी का चश्मा है और उसके करीब एक औरत बैठी हुई है। उन्होंने कहा कि तुम हमें पानी में शरीक करो तो हम तुम्हें अपने जानवरों के दूध में शरीक करेंगे। हज़रत हाजरा ने उनसे इस शर्त पर मुआहिदा कर लिया। और जब इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हुए तो इसी जरहम कबीले ने एक लड़की का निकाह इस्माइल अलैहिस्सलाम से कर दिया। दोस्तों, ज़रा सोचें कि हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा तो बच्चे की प्यास को देखकर बेकरार होकर सफ़ा मरवा के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन अल्लाह ताला को अपने खलीलुल्लाह की जोजा और इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा की अदा ऐसी पसंद आई कि ताक़यामत हाजी इस याद को ताज़ा करने के लिए वहाँ चक्कर लगाते रहते हैं। और इसके अलावा भी मनासक हज में कई मनासक ऐसे हैं जो हमें आज भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद दिलाते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जो नमरूद के हवाले से थी। आपने नमरूद का अंजाम भी मुलाहिजा किया और उसके साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से चंद वाक़यात भी मुलाहिजा किए। दोस्तों, जाने से पहले कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बताएँ कि आप अगली वीडियो कौन से इस्लामिक टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है और हमारी वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। आखिर में आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।